रहमान रहीम जी नाजिन इस वक्त हम मौजूद हैं सांगड़ के मारूफ और मशहूर कार्टल जीनियस मैनेजिंग एडिटर सुपर एंग्रो और इंसाफ एंग्रो के एग्जीक्यूटिव हमारे पास से कुसुमल हमारे पास मौजूद है। भाई हम जानते हैं कि इनसे के हुकूमत सिंध जबकि कार्टन आप सब लोगों के इलम है, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है कि बड़े सभी सिंध के सांगड़ डिस्ट्रिक्ट अपनी हैसियत रखता है कि कार्टन के लिहाज से और सांगड़ की कार्टन की क्रॉप जो है अपनी अहमियत रखती है, जबकि हुकूमत सिंध की जानब से गवर्नमेंट ऑफ सिंध कार्टन का रेट कपास का जो है इस वक्त 8,500 रुपये ऊपर किया गया है। लेकिन क्या वजूहत है कि काश्तकारों का कहना है कि हमें को गवर्नमेंट का जो मुकर्रशुदा रेट है वो हमें नहीं मिल रहा, इस हवाले से आइए तफसील जानते हैं कि इस हवाले से हुकूमत से वो हमें बताएं कि क्या इनको दरपेश मसाइल है कि अगर गवर्नमेंट के जो रेट मुकर्रर हुआ है वो आवाम जानों को क्यों नहीं मिलता। सही है, गवर्नमेंट ने 8,500 किया है लेकिन वफाक हुकूमत ने किया था, लेकिन वफाक ने यह नहीं सोचा कि हम कूटी का रेट तो कर देते हैं लेकिन उसमें जो चीज बनती है पार्टी हुई उसका अभी तक रेट उन्होंने किया है। जब शुरू में हुई का रेट तेईस साल था तो कूटी का रेट अभी 11,000 किया था, मनोला का जो कूटी में दो ऐसे यानी एक मन कूटी में तकरीबन को भी सेल कर बनवा लेता है उसका रेट नहीं मुझे किया। उसके बाद में जो कार्टन का रेट होता है उनके ऊपर एक कार्टन रेट कुछ होता है, रिंग का रेट कुछ होता है, फिर बाद में कुटी का होता है। हम तो बोलते हैं इसको आवाज आता है रेट कम से कम 10,000 रुपया मिलना चाहिए, आज तक 8,500 तक क्यों रेट 8,500 से ऊपर मिलना चाहिए, 10,000 तक मिलना चाहिए। हमने खुद जब फैक्ट्री स्टार्ट की थी तो हमें 11,000 रेट का सही था, दुनिया रेट सही था, अभी उनका रेट है 17,000 रुपया जब से पहले 23,000 था, और बनोर का रेट है बच्चों पहले 47,000 था, अभी 2,200 है। तो हम उसी हिसाब से देते गवर्नमेंट को, अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो इसकी पॉलिसी को करें, रुई का रेट सही तरीके से बांधते किसी को लेके कराते किसी भी मिले तो जमींदार को रेट सही मिले, तो इसलिए वफाक हुकूमत सोई नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं करती है, न सिंध हुकूमत करती है। ये कैसे रेट निकाल दिया किसी के पावर कर दिया, वहाँ 8,500 रेट लेके तो आप कैसे किसे लेके दिया पा, जब गवर्नमेंट ने बोला था तो 8,500 से कुटी कम गई तो गवर्नमेंट खरीद करेगी, अब कहाँ है गवर्नमेंट खरीद कर रहे, अब 7,500 है खरीद कर गवर्नमेंट 1,000 कम है, जब तक गवर्नमेंट को भी नहीं करेगी रेट वो अभी का खरीदारी नहीं करेगी तो उस वक्त रेट गिरेगा, अप डाउन रहेगा, दो चार दो दिन पहले 7,200 था, आज 7,600-7,700 रुपये वो तो जो अप डाउन उन्हीं का होगा मेरे हिसाब से करती रहेगी मेरा हिसाब से। बाकी 8,500 रेट जब मिलेगा या ऑटोमेटिकली बढ़ जाए वो और बातें 8,500 रुपये मिल जाएंगे, नहीं तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी करे खरीदारी करे रहेगी उनका रेट दे हर जिले में बताएं तो फिर ही को 8,500 मिल सकता है। जैसे आप खर्च करते हो तो सांगड़ में 50% जो इतना निकल गया है, आज के बाद क्या गवर्नमेंट करेगी, आज के बाद जब रेट निकाल गवर्नमेंट आप आपका तो फायदा नहीं पड़ेगा, आप आपके अनुसार 50% इतना निकल सकते हैं। हाँ इसलिए अभी मैं बोलता हूँ बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ वही मेहरबानी करके रेट का जो करो काटन का काटनी करे किसी को लाभ पैदा दे वो खरीदारी करे। क्या वजह है सर साहब जी बताएं क्या वजूहत है गवर्नमेंट की, क्या मजबूरियां हैं जो पहले 23,000 में आप कह रहे थे कि उनका रेट मुकर किया था तो आपने भी 8,500 की बजाय 11 तक आपने 11,000 पर मन आपने 40 kg आपने कपास खरीदी है इसे और क्यों नहीं अभी हम कितने सेल बन जाती है तो सेल डाउन हो जाती है तो अभी वो तो अभी बेरोन में निकल कर रही है। अच्छा ये आवाजदारों को यदि देखने वालों को ये मैसेज देना चाहते हैं आम काश्तकारों को कैसे पता लगेगा कि सेल गिर रहा है बढ़ रहा है उनको कैसे पता लगता है, ये तो आप काफी फैक्ट्री वालों को पता होता है। आज कल जो है ना हमें हम भी उठे पहले आवाजदारों को पता पड़ जाता सेल गिरा है तो गिरा कितने होशियार हुए उनको पता है, जमींदार को पता है, हर बड़े व्यापारी को पता पड़ जाता है, अब तो सेल तो हो गया तो वो सबको पता होता है
सेट देता है या करता है, हर बंदे को पता है। नई बात है जब गवर्नमेंट अभी देखो बहुत ऐलान कर दे बीसी साहब ने कि अब 8.5 लाख ले लेंगे, किससे लेंगे ले सील करेगा सर, ज्यादा से वो फैक्ट्रिया बंद कर देगा, फिर तो कुछ 6 लाख कुट्टी लेगा। कुट्टी आजकल कार्बन सी ऐसा आया हुआ है जो आप उसको गोद में नहीं रख सकते, न जमीन रख सकता है, न हरी रख सकता है, न जिन्हें रख सकता है। एक दिन दो दिन अपने बाद पीली फूल हो जाती है, फैक्ट्री उसके हीटे हो जाते हैं, तो कोई नहीं रख सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी बार बार बोले, ऊपर हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है, वाइस चेयरमैन साहब ने बोला है, हमने भी बोले, तो मेहरबानी करे उसको एक तरफ करो, जहाँ को भी छोटो मार्केट को राज में लड़ाई झगड़ा रोज हमारे जमींदार साहब को दिए, वहाँ पे डीसी साहब भी रोज हमारे बोला जाता है भाई 8.5 लाख, हम तो सीधा सीधा बोलते हैं, भले डीसी साहब सुने तो भाई हमारे रेट के ज्यादा रेट डीसी साहब देगा, आपको चल जाओ। जब वो मार्केट सही रेट गोल नहीं करेगी तो डी साहब जब हमें पेश करता है तो हम बोलते हैं ज्यादा डी साहब बोल रहे हो, और क्या कर सकते हैं। इसका नीचे में फिर इसका मतलब है आप खरीदारी बंद कर देते हैं। बस अगर अगर ज्यादा प्रेशर डाल दिया डी सी साहब ने जिनसे हमने हमको बंद कर दिया, और कोई तरीका नहीं और पता नहीं 100-200 करो 50-100-200 रुपये कर सकते हैं आप आते हैं, लेकिन 12-12 होता बंद कर सकते हैं। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि आप देखिए जो लड़ाई शुरू करती है इसमें आप इसको खत्म करें, आप इसका ऐलान करें, आप क्लियर उसकी बारिश करें तो वो झगड़ा खत्म हो जाएगा, आप अगर वो फायदा हो जाएगा। अच्छा इस सब जैसे फ्लड समय में आया था उसके बाद किराब जो आया है अब क्या समझते हैं कि बहुत अच्छा किराब आया है, जमींदारों को फायदा है, जमींदारों को बड़ा फायदा हुआ है। पहले जो 25 में आता था एकड़, अभी वो एकड़ 40 तक बन गया है, आप आपका को बहुत फायदा है फर्स्ट टर्म में। अच्छा तो अभी अगर फायदा ज्यादा फायदा रेट का है मतलब आपको आदमिया ने अपने हिसाब से दे दिया दे दिया है, ये गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ दिया जी। नाजिम ये थे सांगर के हमारे मारूफ मशहूर जिन्हें तो आपने सुनी कि उनका यही कहना है कि पार्टी और सूबा हुकूमत मिल के ऐसा राय अमल क्या करें और किसी चीज को मैदान मिला है, जबकि 50% का पास और फुटी जो वो तो जा चुकी है और इसके बाद अभी तक भी ये गवर्नमेंट की ना है कि उन्होंने अभी तक कपास की खरीदारी का कोई भी एक नहीं किया गया, जिसकी वजह से कार्टन डीलर्स और काश्तकारों में रोज की लड़ाई वगैरह होती है। लेकिन इनका कहना है कि जबकि डिप्टी कमिश्नर सागर को एक हत्यार दिए गए कि मुकर का रेट 8.5 हजार रुपये फी मन 40 kg कपास जो है ये काश्तकारों से खरीदी जाए, उनका कहना है कि हमको तब खरीदेंगे जब हमारी कपास का आगे रेट भी सही होगा, बिनौरों का रेट भी सही होगा, क्योंकि जब आगे से खरीदारी हमसे सही नहीं होगी तो हम इस सूरत में नहीं खरीदेंगे। 7600 ये 7500 या 7700 ये रेट अगर अभी चल रहा है तो इस सूरत में यकीनन आवाजदारों को भी फायदा किसी सूरत में नहीं है। इनका कहना है कि हमने जब शुरू में कपास फूटी जब आई तो हमने 11,000 रुपये मन की खरीदी और 23,000 गवर्नमेंट ऑफ जो वफाकी फीडर जो भी वो हमसे कपास खरीद रही थी हमने बगैर किसी कहने पे 8.5 हजार के बजाय हमने 11,000 में भी खरीदी, कोई हमारे ऊपर प्रेशर दबाव नहीं था, हमें जब सही रेट पर मिलेगा हम सही रेट में खरीदेंगे, जब हमसे रेट कपास ही नहीं सही रेट में जाएगी तो हम इस सूरत में ये रेट खरीदेंगे, अगर ज्यादा रेट अगर हमें मिलेगा देंगे, वरना 8.5 हजार में डिप्टी कमिश्नर खरीद करना चाहता है खरीदे, हमें प्रेशराइज किया गया, हम अपनी फैक्ट्रियां सील कर देंगे, बाकी हम अपने घरों को इतना नुकसान नहीं देंगे कि हम अपना कारोबार या फैक्ट्रियां उजाड़ दें और हम काश्तकार मकामी लोग हम आपस में लड़ते रहें, इससे बेहतर है हम काफी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, लेकिन इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट आप से और वफाकी गवर्नमेंट होश में नाखून ले और काश्तकारों और काटन जेनर्स में लड़ाई के बजाय अपना मुकर रेट जो है वो एक हदफ मुकर करे जिसमें सबके मसाइल अफाम तफीम से हल हो सके। सागर से दिया सलमान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज।